हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसएन फूड। तो गाइस, आज की रेसिपी हम आमला की बनाएंगे। आमला का गाइस एक और रेसिपी मैंने शेयर किया है। अब आमला की बहुत सारी रेसिपीज आएंगे, तो आंवला का मुरब्बा मैंने शेयर किया है गाइस। आज हम आंवला का अचार बनाने वाले हैं, और ये अचार गाइस ऐसा है कि आपको धूप दिखाने की जरूरत नहीं होगी। धूप दिखाएंगे अगर आप गाइस, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। अदरवाइज आप धूप नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इसी मैंने आंवला को बॉईल कर दिया था, बॉईल करके इसके ऐसे पीसेस निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कर लेना है। इसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने पैन रखा है, इसमें हम कुछ सूखे खड़े मसाले को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गाइस मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ क्या क्या लिया है। गाइस सबकी क्वांटिटी सेम है, सिर्फ मेथी की और काली मिर्च की अलग है। आपने जितना भी आंवला लिया उस हिसाब से आप ये लें सब। ये गाइस मैंने 2 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच पीला सरसों, 2 चम्मच काला सरसों, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच खड़ा धनिया, और ये 1 चम्मच मैंने ले लिया है आप काली मिर्च, आप 20 ले लें, 18 से 20, और ये आधा चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया है। इन सबको डाल लेंगे। अब गाइज इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है, इनको हमें जलाना नहीं है, इनको कलर चेंज होने तक नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है इसमें से आवाज आने लगे तब तक। गाइज ये देखिए मसाले हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है, और ये इसमें से आवाज सुन सकते हैं आप, ये तड़क गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब गाइज हमें इसे हल्का ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे अच्छे से। गाइज हम अचार में डालने के लिए ऑयल को गरम कर लेंगे। तो गाइज ये मैंने 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। आप तेल अगर कम डालना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से खोलाना है, खोलता हुआ तेल हो जाना चाहिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है गाइज, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसको बंद करेंगे हम इंडक्शन को। मसाला भी हमारा अच्छे से पिस चुका है गाइज, ये देख सकते हैं आप, फाइन पाउडर बन गया है। और गाइज अब हम अचार को सानेंगे। ये देखिए गाइज जो मसाला हमने पिसा था उसको मैंने डाल दिया एक बर्तन में। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें। अब गाइस 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून या फिर आधा छोटी चम्मच हींग डाल लेंगे, आपने जितना आंवला लिया उस हिसाब से। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच अचार मसाला डाल लेंगे। गाइज इन मसालों में हम ये गर्म तेल डालेंगे, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है जब तक हमने ये डाला है, एकदम खोलता हुआ भी नहीं डालना है। गरम तेल हम इसमें डालेंगे मसालों में गाइस, तो मसाले थोड़े पक जाएंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें यहाँ पे 1 छोटी कटोरी विनेगर डाल रही हूँ, आप कोई सा भी विनेगर डाल सकते हैं, वाइट ब्लैक कोई सा भी। और विनेगर के जगह पे आप गाइस लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन जूस, और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर ना डालना चाहे तो। अब गाइस इसमें आंवला डालेंगे हम, मिक्स कर लेंगे। और गाइज मैं इसमें एक और चीज डाल रही हूँ, ये हरी मिर्च, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर ले। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइज अचार में मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। गाइज आपको सिर्फ येलो कलर चाहिए तो आप पीला वाला सरसों सिर्फ डालें, मैंने दोनों डाला है, आप चाहें तो सिर्फ येलो वाला ही डालें, पीला सरसों। अब गाइज इसको मसालों में सान के हमने जो मिक्स किया है, 3 से 4 घंटे के लिए हमें इसे रहने देना है मसालों के साथ। अगर आप शाम या रात में बना रहे हैं तो आप ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। तो गाइज इसे आप 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा, फिर ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गाइज, इसकी शेल्फ लाइफ आपको ज्यादा चाहिए, लंबे समय तक इसको चलाना है, तो बेहतर होगा कि आप इसे धूप दिखा दें। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं, अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज ये रेसिपी ट्राई करिएगा,
ये बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, बहुत ही अच्छा। मार्केट में ऐसा स्वाद नहीं मिलता, ये बहुत ही अच्छा आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। और आंवला गाइस, आंवला के तो बेनिफिट्स आप सबको पता है, 100 से भी ज्यादा बीमारियों में ये फायदेमंद है। ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज है या बीपी है और जिनका हेयर लॉस हेयर फॉल हो रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है गाइस। ये आंखों के लिए, आईज के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आप खुद गूगल सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं गाइस। आप रोज आंवला को जरूर अपने डाइट में शामिल करें, अपने खाने में रोज खाएं तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। और गाइस, मैंने आंवला के मुरब्बा की रेसिपी भी शेयर की है, आंवला का मुरब्बा, वो भी गुड़ में बनाया है, गुड़ वाला मुरब्बा है वो, तो वो रेसिपी भी आप जरूर चेक करिएगा। अगर आपको इस विंटर्स मुरब्बा बनाना है, आप एक बार वो रेसिपी बना के देखिएगा, वो इतना अच्छा खट्टा मीठा मुरब्बा बना है, तो आप वो रेसिपी भी ट्राई करिएगा। अभी गाइस बैक टू बैक आंवला का रेसिपीज, आंवला की बहुत सारी रेसिपीज आएगी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, अचार को जरूर ट्राई करिएगा। ये रोटी चावल सबके साथ ही बहुत अच्छा लगता है, इसको आप किसी पराठे या किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही चटपटा, बहुत ही मजेदार अचार बनता है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये रेसिपी कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।